सेलिब्रेशन टीवी इवेंट्स ऑफ अ लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शहर की महिला शक्ति का जगह जगह सम्मान किया गया। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी की टिकट पर हाल ही में मेयर का चुनाव लड़े राजेश कुमार गुप्ता ने पार्टी नेताओं के साथ कमलानगर पहुंचकर शहर की प्रथम महिला नागरिक मेयर नवीन जैन की धर्मपत्नी रेणु जैन को बुके देकर सम्मानित किया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा। मुझे शुरू से इस बात का एक एहसास है और अपने अंदर एक गर्व सा रहता है कि जो लोग सम्मान के योग्य व्यक्ति हैं उनका सम्मान समय समय पर होना चाहिए। राजनीति से अलग हट के एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि राजनीति अपनी जगह है बट जिसका सम्मान करना ज़रूरी है उसका सम्मान होना चाहिए। तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आज अपने आगरा की प्रथम महिला रेणु जैन जी को उनका एक बुके द्वारा सम्मान करके आए थे। उनसे काफ़ी समय तक चर्चा भी की और उन्होंने बहुत अच्छे से चर्चा की, बताया कि किस तरह से महिलाओं के लिए, वो लोग भी एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए कितना अच्छा विचार से काम करना चाहती हैं। हम लोगों का मन में ये है कि राजनीतिक मंच के जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने भी अभी मेयर के चुनाव में पार्टिसिपेट किया था, चुनाव लड़ा था, तो वो पार्टी को भूल के हम सब लोग इकट्ठे होके एक ऐसा अपना मीटिंग करें, ऐसा चर्चा करें कि महिलाओं के लिए कुछ और अच्छा शहर में हो सके। क्योंकि हम सब की महिलाएं जब आपस में जुड़ जाएंगी तो वो भी अपने नेतृत्व में अपना एक अच्छा योगदान देके स्कूल की बच्चियों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए या ऐसी महिलाओं के लिए जो कानून के दाव पेच में फंसी हुई हैं और उन्हें कोई निर्णय नहीं मिल पा रहा, वो अपना कुछ कर सकेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या कोई भी दिवस जब हम मनाते हैं तो उसमें मनाने में हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम साल भर कुछ ना कुछ ऐसे काम करेंगे कि जब अगले साल यही दिवस आएगा तो हम उसको देख सकें कि हमने इतने इतने काम किए। सेलिब्रेशन टीवी इवेंट्स ऑफ अ लाइफ।